ऐसे में बिहार में राजनीतिक हलचल इस वक्त तेज होती हुई, और सिर्फ ये राजनीतिक हलचल जहां पर आपस में दिल जुड़ रहे हैं, घनिष्ठता बढ़ रही है, प्रेम संबंध उजागर हो रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के अंदर ही नहीं, अब तेजस्वी यादव राबड़ी आवास पर पहुंचकर अपने पिता लालू प्रसाद से चर्चा और मंत्रणा शुरू कर चुके हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि लालू प्रसाद जो है वो अब उस कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ गए हैं जिससे सरकार को अपने बेटे के नेतृत्व में वो चला सके। और तारकिशोर प्रसाद की तरफ से जो बड़ा बयान दिया गया है वो आप सबको बताते चलें, राजनीति में दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अब आप समझिए जिस बयान को बार बार बीजेपी दोहरा रही थी कि अब जो वो दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं वो अब सब खुलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब जरा ये जानिए कि यह हलचल क्यों तेज है आरजेडी की तरफ से, संभावनाएं किस रूप में और क्या हो सकता है समीकरण आरजेडी की तरफ से भी और जेडीयू की तरफ से भी। जेडीयू ने अगर आरजेडी का साथ छोड़ दिया तो क्या स्थिति होगी? आरजेडी विधायकों की संख्या 79, कांग्रेस विधायकों की संख्या 19, लेफ्ट विधायकों की संख्या 16 और कुल विधायकों की संख्या 114 पहुंच जाती है, लेकिन आंकड़ा चाहिए 122 का सरकार बनाने और चलाने के लिए, यानी कि 8 विधायक कम है उस जादुई आंकड़े से, उस बहुमत के आंकड़े से। तो ये 8 विधायक निकलेंगे कहां से, आएंगे कहां से? और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि लालू प्रसाद एक्टिव नजर आ रहे हैं, आरजेडी एक्टिव नजर आ रही है, और लालू प्रसाद अब अपनी यहां पर कहीं ना कहीं यूं माने कि जो उनका महत्व है, जो राजनीतिक जानकारी उनके तक पहुंच रही है वो कोशिश कर रहे हैं आज माने की। और हमारे सहयोगी रवि एस नारायण लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या लालू प्रसाद की तरफ से अब ये कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को अपने साथ जोड़ लिया जाए जो 8 की संख्या को पूरा कर दें, यानी विकल्प में जीतन राम मांझी भी हो सकते हैं, विकल्प में चिराग पासवान भी हो सकते हैं, विकल्प जेडीयू के खुद के अपने विधायक भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, और आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव ने जो अपने ढंग से जो मोहरे चलने शुरू कर दिए उसमें हर वो चाल शामिल है जिसमें तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बन सकती है, और इसे बनाने के लिए हर पूर्व कोशिश जो है वो किया जाएगा। और अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सिर्फ आंकड़ों पे बात चल रही है कि ये आंकड़े जो है वो कहां से आएंगे और किन किन लोगों को जो है वो टच करना है। बिल्कुल रवि, आप नजर बना के रखिए क्योंकि बिहार की सियासत के लिए आज से आज का ये दिन सबसे बड़ा माना जा रहा है। क्या जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि आज ही खेला हो जाएगा, तो क्या ये खेला आज ही होने वाला है? इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और सबसे पहले सबसे सटीक और प्रमाणिक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस।